ओके गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, पाठ चार पढ़ रहे थे जिसका नाम था पेड़ हमारे सच्चे साथी, जिसमें अतुल था, अध्यापिकाएं थी हा? और अतुल क्या कर रहा था, पेड़ों की पत्तियों को फूलों को वगैरह तोड़ रहा था। साथ में उसने अपने मित्रों को भी शामिल कर लिया था, लेकिन उसके मित्रों ने क्या किया, अतुल के ऊपर ही नाम डालने लगे कि अतुल ने ही हमको उकसाया है इन सब तोड़ने के लिए। लेकिन अतुल को शर्म आने लगी और उसे इन सब बातों का पता नहीं था कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से क्या क्या होता है। तो अध्यापिका ने उनको समझाया कि किस तरह पेड़ हमारे काम आते हैं, हर चीज में पेड़ हमारे काम आते हैं। पेज नंबर 36 निकालो। और अंत में ये भी बताया था कि जहाँ घने जंगल होते हैं वहां पे वर्षा भी बहुत अधिक होती है, यस, और जहाँ पे पेड़ कम होते हैं वहां वर्षा भी बहुत कम होती है, क्योंकि गर्मी होती है, पेड़ नहीं रहेंगे तो अधिक गर्मी रहेगी जिस वजह से बरसात भी नहीं हो पाती। जैसे रेगिस्तान मरुस्थल की जगहों में कहाँ होती है बारिश, बिल्कुल नहीं होती है वहां पे, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होती है। अगला पेज देखो, पेज नंबर 36 देखो, पेज नंबर 36 सेकेंड लाइन में, अध्यापिका जी की बात सबकी समझ में आ गई। अतुल पश्चाताप भरे स्वर में बोला, पश्चाताप होना यानी पछतावा होना। पछतावा होना यानी अपनी गलती का एहसास होना, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। तो पश्चाताप भरे स्वर में यानी उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उसी स्वर में वो कह रहा है अध्यापिका से, मैडम जी मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। तो वो अपने दर्द भरे स्वर में, पश्चाताप भरे स्वर में कह रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब की जानकारी नहीं थी। अध्यापिका जी अतुल की पीठ थपथपाते हुए बोले, पीठ थपथपाना यानी शाबाश की देना, पीठ थपथपा को अंडरलाइन करो, पीठ थपथपाता अंडरलाइन करो उसको। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना, मारना नहीं बल्कि शाबाश की देना, प्यार से समझाना। तो पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा तुम तो अभी छोटे हो, पर कुछ समझदार लोग भी जानबूझकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो कह रही है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तुम्हें पता चल गया है कि पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन जो लोग बड़े होते हैं, जो लोग जानते हैं कि पेड़ों को काटने से उसको नुकसान पहुंचाने से क्या हानि होती है, फिर भी लोग क्या करते हैं, जानबूझकर पेड़ों को काटे जा रहे हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, इससे वातावरण का बहुत नुकसान होता है, यानी हमारी पूरी प्रकृति का बहुत नुकसान होता है। जो लोग जानबूझकर पेड़ों को तोड़ते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे क्या हो रही है, हानि किसे हो रही है, हानि किसे हो रही है, नुकसान किसका हो रहा है, हम लोगों का ही नुकसान हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पेड़ों को काटे जा रहे, गाड़ियां चला रहे, पेट्रोल यूज कर रहे हम लोग इतना सारा, उससे प्रदूषण फैला जा रहा है, सांस लेने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये सब कौन कर रहा है, हम मनुष्य ही कर रहे हैं, और हम अपनी पृथ्वी को हम लोग खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये लोग कौन कर रहे हैं, हम मनुष्य ही है नुकसान कर रहे हैं जानबूझकर। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अंधाधुंध यानी उसमें कोई नियम नहीं है, बस काटे जा रहे हैं पेड़ों को, यहाँ पे दिया देखो अंधाधुंध यानी बिना सोचे समझे पेड़ों को काटना, से ही हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा कम होने लगी, यानी पेड़ों को जो है वो बिना सोचे काटते जा रहे हैं हम लोग, उस वजह से क्या हो रहा है, तो उन भागों में वर्षा कम हो रही है। अभी गुजरात में देखोगे आप लोग, राजस्थान वगैरह में देखोगे, वहां पे पेड़ बहुत अधिक कम है, और जहाँ पे है ऑलरेडी लेकिन फिर भी लोग काटे जा रहे हैं, तो उस इलाके में भी, उस भागों में भी वर्षा बहुत कम हो रही है।
सूखा पड़ने लगा है, वही हाँ जहाँ पे पेड़ है वहां पे हरियाली रहेगी, वहां पे ठंडी हवा रहेगी, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना प्रदूषण होगा। यस, लेकिन जहाँ पे पेड़ बहुत कम होंगे, सूखा पड़ा होगा हर जगह, वहां पे बहुत दिक्कत होती है रहने में लोगों को। मानसून समय पर नहीं आता। यस, जब बारिश आती है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। यस मैम। हाँ, लेकिन जहाँ जिन इलाकों में बराबर तो जिन इलाकों में पेड़ ज्यादा है वहां पे बारिश बहुत अधिक होगी, लेकिन ठीक उसी तरह जहाँ पे पेड़ कम है वहां पे बरसात तो कम होगी। पेड़ों को जहाँ पे काटा जा रहा है बहुत अधिक, तो वहां पे जो है वह मानसून यानी जो सीजन है, जो बारिश का मौसम है, अधिक वर्षा वहां पे नहीं होगी, तो मानसून में भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये सब गड़बड़ी कौन करता है? हैंडपंप पे कभी भी बारिश आती है, दिसंबर जनवरी में भी कई बार बरसात आ जाती है, तो ये सब कौन नुकसान पहुंचा रहा है? हम लोग मनुष्य ही ये सब कर रहे हैं। अतः हमें न केवल पेड़ लगाने चाहिए, ये जो अतः शब्द लिखा है ना, अतः, ठीक है, अतः यानी इसीलिए, अतः का अर्थ है इसीलिए, और अतः जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, अतः इसीलिए, इसलिए हमें न केवल पेड़ लगाने चाहिए उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो उपाय बताया गया है यहाँ पे मैडम, यहाँ पे टीचर जो है वो उपाय बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए, अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाना चाहिए, और लगा के सिर्फ उनकी देखभाल भी हमें करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, तभी जब वो बड़े होंगे तब वो हमें फायदे ही फायदे देंगे। अतुल बोला, आज मेरी समझ में आ गया कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। तो ये सारी बातें उसे पता चल गई कि पेड़ लगाने पर क्या क्या फायदे होते हैं और हमें कितनी सुविधाएं होती है, कितनी शांति हमें मिलती है, प्रकृति को वह कितना फायदा पहुंचाती है पेड़ जो है। तो उसे वो कहने लगा कि मुझे सारी बातें समझ में अब आ गई है। हाँ, हमें सूखे पेड़, सूखे पेड़ काटने चाहिए, सूखे पेड़ काटने चाहिए। अच्छा, सूखे पेड़ काटने चाहिए। यस, आगे, अगर तुमने यह बात समझ ली है तो इस पर चलकर भी दिखाना। तो अध्यापिका कह रही है, अगर तुम इस बात को समझ गए कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे प्रकृति के लिए, हमारे लिए, तो उसे तू उस पर चल के भी दिखाना चाहिए, यानी तुमने कहा है कि पेड़ लगाओगे तो तुमको ये करके भी दिखाना होगा, सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है, हमें वो चीज करके दिखानी होती है। वन महोत्सव आने वाला है, वन महोत्सव कब होता है? 5 जून को होता है, 5 जून को वन महोत्सव दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे उस दिन मनाया जाता है। पूरी जगह पे कार्यक्रम रखे जाते हैं, पेड़ों को पौधों को लगाया जाता है। हाँ, तो वन महोत्सव आने वाला है, इस अवसर पर खूब पेड़ पौधे लगाना ताकि चारों ओर का वातावरण हरा भरा बन जाए, अध्यापिका ने कहा। तो ये वन महोत्सव के बारे में कहा जा रहा है कि उस दिन बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाना और जो वातावरण है चारों तरफ का वह हरा भरा इसे बना देना। अधिक मात्रा में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने जो आजू बाजू का वातावरण है उसे साफ भी रखना चाहिए, जरूरी नहीं कि पेड़ ही लगाना। हमारा जो वातावरण है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ का चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आसपास का वातावरण गंदा हो, भले ही वो पेड़ पौधे वहां पर हो, तो क्या हम बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? अगर वातावरण पूरा गंदा है, बहुत गंदगी है, पेड़ भी है वहां पे, क्या हम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे हम लोग? नहीं रहेंगे। तो पेड़ों लगाने के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाना, तभी हम लोग तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से भी हम लोग बच सकते हैं। अंतिम वाक्य मैम, हमको हम सब
अतुल और उसके सहपाठी एक साथ बोले। अतुल ने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर क्या कहा कि हम इस चीज के लिए तैयार है, पेड़ पौधों को लगाने के लिए और उनकी देखभाल के लिए हम लोग तैयार है। अध्यापिका प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी, प्रसन्नता यानी खुशी से वह मुस्कुराने लगी। उनको बहुत मजा आया, बहुत आनंद मिला कि उन्होंने जो बात बताई बच्चों को वो बात बच्चों को समझ में आई और वे चीज वे अपने जीवन में उसे अपनाएंगे। तो ये सारी बातें अध्यापिका को बहुत इससे खुशी मिली। ठीक है, हाँ। तो देखा आपने पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं। हम जहाँ पे रहते हैं इमारत इमारत बनने के लिए ये लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, कारखानों में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जो जंगल होते हैं वहाँ पे जो मिट्टी है उस पेड़ों को गिरने से वो मिट्टी का खराब जो है वह उसे बचाती है। और अगर हम पेड़ों को नहीं काटते हैं तो अधिक मात्रा में वर्षा होती है, अगर काटते जाएंगे तो वर्षा भी बहुत कम होगी। तो हमें प्रॉमिस करना है कि हम पेड़ों को ना काटें, उसकी देखभाल करें, हाँ, और इससे हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे, हमारी प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी। तो हमें अपने प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, अपने नेचर से, और उसकी देखभाल करनी चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। यस, साथ ही साथ यहाँ पे एक और स्किल दिया है, पेज नंबर 39 में चार लाइन दिए हुए, पढ़ती हूँ सुनो। जिस प्रकार अपने परिवार और देश के प्रति कर्तव्य है, हमारा अपने देश के प्रति, अपने फैमिली के प्रति हमारा कैसे कर्तव्य है, हम अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, कर्तव्य रहता है हमारा, राइट रहता है। तो ठीक उसी तरह हमें अपने पेड़ों को भी उसका कर्तव्य होना चाहिए, उसकी देखभाल करने का कर्तव्य हमें होना चाहिए। उसी प्रकार पर्यावरण के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, इन्वायरमेंट के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, हम मनुष्यों का पर्यावरण को स्वच्छ रखना, यस, हमारा जो सराउंडिंग है उसको स्वच्छ रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखना, प्राकृतिक उपहारों, प्राकृतिक उपहारों यानी जो प्रकृति में उपहार क्या क्या है, नदी है, झील है, पहाड़ है, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसको भी स्वच्छ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। पृथ्वी हमारा घर है, हम पृथ्वी पर रहते हैं तो ये हमारा घर है, तो जिस तरह हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह हमारे पृथ्वी को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये अकेले एक आदमी से पॉसिबल नहीं है, इसे घर की तरह ही स्वच्छ रखने का प्रयास कीजिए। तो इस लेसन के द्वारा ये उद्देश्य बताया गया है कि हमारी पृथ्वी को, हमारे घर को हमें स्वच्छ रखना चाहिए, तभी हम जीवित रह सकते हैं। जब पेड़ इतना कुछ हमें दे रहा है, इतना कुछ फायदा पहुंचा रहा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसकी देखभाल करना, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ प्रकृति के प्रति है? तो आप लोग प्रॉमिस करते हो कि आप पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप लोग प्रॉमिस करोगे, प्रॉमिस करोगे? क्या आपने गार्डन में कभी कोई पेड़ पौधा लगाया है, क्या आपने गार्डन में कोई कभी कोई पेड़ पौधा लगाया? अगर लगाया है तो उसकी देखरेख करना भी सीखो, ओके, लगाना है और उसकी देखरेख भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को पसंद है तो ये भी एक हॉबी है, मतलब ट्रीज को लगाना, प्लांटेशन करना, ये भी एक हॉबी है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ओके, सुनिए 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 सुनिए, यहाँ पे अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना चिल्ड्रन, ऑब्जेक्टिव्स है वो हम लोग कल क्लास में करेंगे, ठीक है, हाँ, सुनो सुनो, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लास में करेंगे। अभी मैं इस लेसन से रिलेटेड एक एक्टिविटी बताऊंगी। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या है ये,
कागज है किस रंग का है? किस रंग का है? ब्लैक रंग का है, काले रंग का है। ओके कुछ भी कर सकते हैं इस कागज से। तो हमारा जो लेसन है वो नीड से संबंधित है। तो आपको बुकमार्क पता ही है, बुकमार्क यानी जहाँ पेजेस हम लोग पढ़ते हैं और जहाँ भी पेजेस पढ़ना हमने बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो हम क्या करते हैं इस बुकमार्क को वहां पे रखते हैं इस तरह। तो नेक्स्ट टाइम हमें जिस जो पेज नंबर ओपन करना पड़ता है डायरेक्टली हम लोग ओपन कर सकते हैं। यस, तो आप लोग ने बुकमार्क भी कई बनाए होंगे, तो मैंने यहाँ पे एक बुकमार्क बनाया। सी यू कैन सी, यू कैन सी। ओके, आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के साथ साथ, पेड़ के साथ साथ आपको यहाँ पे पेड़ के बारे में कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, जीवन बचाओ। तो इसी तरह, हाँ, तो इसी तरह ऐसा लंबा कागज लेकर, कोई भी रंगीन कागज लेकर आप अपनी मर्जी से ये एक्टिविटी आपको करनी है एक्टिविटी, और ये वाला बुकमार्क जो आप लोग बनाओगे अपनी मर्जी से कोई भी, वो बुकमार्क आपको हिंदी नोटबुक में लगानी है। लगाओगे? हाँ, जो पेज काम करने हो, यस, उस पेज नंबर पे ये इस तरह लगा देना। ये मैंने सुविचार लिखा है कि पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, तो आप अलग भी सुविचार यहाँ पे लिख सकते हो, नारा लिख सकते हो। हाँ, नोटबुक में लगाना है, बस इस तरह ना नोटबुक में बना के, बुकमार्क बना के इस तरह, इस फर्स्ट नहीं, जहाँ पे आप लोग लिख रहे हो ना जो लेसन, वहाँ पे आप लोग इस तरह बुकमार्क यूज कर सकते हो, लाइक दिस। तो ये मैंने बड़ा बनाया है, आप इसे छोटा भी बना सकते हो, ठीक है। और एक ही तरह के बुकमार्क नहीं होते, कई तरह के बुकमार्क बन सकते हैं, एनिमल के बुकमार्क होते हैं, अदरवाइज इस तरह आप लोग भी उसे फोल्ड कर सकते हो, इस तरह फोल्ड कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, वहां पे कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे हिंदी करके आपका बुकमार्क बन गया। और एक दो तीन बना के मैं, सुनिए, और एक दो तीन बना के मैं कल आपको दिखाती हूँ बुकमार्क, ओके? यस मैम। हाँ, और कल की, हाँ, यस, कल की क्लास में हम लोग, सुनिए, कल की क्लास में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स है ना टेक्स्टबुक के, जो टेक्स्टबुक के ऑब्जेक्टिव्स है वो करेंगे, ओके? जो आज का पार्ट, अगर कुछ डाउट है, अगर इस लेसन से रिलेटेड कोई डाउट है वो चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ओके? मैं हाँ, वो डाउट